दोस्तों बात है इस माइक का कि ये माइक काम करना क्यों बंद कर देता है, या फिर हो सकता है आपका लैपटॉप में क्यों ये सपोर्ट नहीं करता है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है, मैं आपको यहाँ पर हार्डवेयर प्रॉब्लम बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं। पहले आप अपना ड्राइवर को चेक कर लीजिएगा, हो सकता है अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है तो आप साउंड ड्राइवर को दोबारा से चेक कर लीजिएगा कि वो सही ढंग से डाला हुआ है या नहीं। तो ये माइक में आप देख सकते हैं कि चार नॉच हैं, 1 2 3 4 चार नॉच है, इसको TRRS कहते हैं दोस्तों। और अगर आपके लैपटॉप में सिर्फ एक पिन लगने का है तो समझ लीजिए कि वो आसानी से ये उस पर सपोर्ट करेगा। अगर नहीं रिकॉर्ड हो रहा है तो ज़रूर हो सकता है कि इश्यूज बैटरी का हो, बैटरी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या इशू हो सकता है आपका लैपटॉप का, कंप्यूटर का ऑडियो ड्राइवर, साउंड ड्राइवर। तो अगर साउंड ड्राइवर को भी चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके भी साथ सेम वही प्रॉब्लम हो रहा है जो कि मेरे साथ कुछ समय पहले हो रहा था, वो था TRRS वाली। दोस्तों TRRS मेरा लैपटॉप में आप भली भांति देख सकते हैं कि यहाँ डबल जैक लगने का है, 3.5 mm का जैक लगता है, डबल है, एक माइक का है और एक साउंड का है। तो दोस्तों अगर मैं इसे उस पर लगाऊंगा तो ये नहीं काम करेगा, हमारा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर हो सकता है आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं कि CPU के पीछे हो सकता है आपको माइक का अलग से देगा और ऑडियो का अलग से देगा, तो उस पर भी आप यूज़ कीजिएगा तो हो सकता है आपको साउंड नहीं रिकॉर्ड हो। तो उस कंडीशन में आपको TRRS को TRS में कन्वर्ट करना पड़ेगा, TRRS को। अगर दिख नहीं रहा है तो मैं और नज़दीक ले जा रहा हूँ, TRRS को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं TRS में, तो आपको TRS कन्वर्टर लेना पड़ेगा। ये एक छोटा सा मैंने कन्वर्टर खरीदा है, अमेजन से मैंने मंगवाया है, वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे, आप वहां लिंक से डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो ये है, यहां हमारा TRRS लग जाएगा और ये बन जाएगा TRS, इसमें तीन ही नॉच है, और इस तरीके से आपका एक साउंड और एक ऑडियो, मतलब दोनों तो साउंड ही बोल रहा हूँ, ये दोनों में लग जाएगा। लेकिन मुझे तो माइक से ज़रूरत है तो मैं सिर्फ माइक वाला में लगा दूंगा, वैसे मैंने दोनों लगा दिया। उसके बाद अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा तो ये रिकॉर्ड होगा, ये काम करेगा। फिर भी अगर काम नहीं कर रहा है तो आपके साथ तीसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसे भी आप वेरीफाई कर लेंगे। वो तीसरा प्रॉब्लम है आपका एडेप्टर के अंदर का बैटरी। तो ये बोया BY-M1 का बैटरी यहाँ लगता है, आपको पता ही होगा, अगर आपने खरीदा होगा तो आपने पहली बार सेट किया होगा, ये है बैटरी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको बटन सेल कहते हैं, बटन सेल करके आप सर्च कर सकते हैं। मैं इसे बदलूंगा क्योंकि ये बहुत पुराना भी हो गया है और मैंने नया बैटरी भी मंगवा लिया है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे, वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा। तो दोस्तों आपके सामने इतने सारे बैटरीज दिख रहे हैं, मैंने इससे एक ही बैटरीज निकालना है मुझे, इससे मैं एक बैटरी निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना बैटरी लगाता हूँ, सही ढंग से प्लस और माइनस करके। तो दोस्तों मैंने यहां पर अपना बैटरी लगा दिया, बैटरी बदल दिया, बैटरी का मेरे पास पूरा सेट है। अब ये 100% काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका टेस्ट दिखाऊं तो अभी मैं आपको ले चलता हूं लैपटॉप के स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, लैपटॉप के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने माइक का वायर को, सिर्फ माइक को कनेक्ट किया, इसमें डबल है, एक ऑडियो सॉरी एक साउंड का भी है, मैंने सिर्फ माइक को कनेक्ट किया है। तो अब यहाँ देखते हैं कि साउंड रिकॉर्डर खोलते हैं, REC वॉइस रिकॉर्डर, इसको मैंने खोल दिया अपने स्क्रीन पर। वॉइस रिकॉर्डर खुलने के बाद अभी एक नया ऑप्शन देते हैं यहाँ पे, नया रिकॉर्ड करने के लिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये नया रिकॉर्ड होना चाहिए। तो देखते हैं माइक काम करता है या नहीं। तो आपको कुछ सर्कल दिख रहा है, मैं माइक में दे रहा हूँ अपना साउंड हाथ, तो वहाँ पे वो सर्कल बढ़ेगा, देखिए। तो इसका मतलब माइक हमारा सही ढंग से काम कर रहा है। तो ऐसा इश्यूज आपको सॉल्व हो सकता है। देखिए उसी जगह मैं माइक में टच कर रहा हूँ हाथ, तो वहाँ पे सर्कल आपको देखिए बढ़ते हुए नज़र आता है, लेकिन लैपटॉप का माइक में जब मैं हाथ घिस रहा हूँ तो सर्कल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब फुल्ली ये माइक काम कर रहा है।
तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो आपके इश्यूज आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया होगा। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक टेक्निकल वीडियो के साथ। मैं हूं विशाल कुमार और आप देख रहे थे टेक्नो ब्रो। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो और भी मज़ेदार होने वाला है। बाय बाय दोस्तों।